का ब्रेसलेट खो गया। डिंग डिंग। हाँ अंकल, यहाँ सिर्फ यही एक बोट है। हाँ, और इसमें सिर्फ दो लोग ही बैठकर जा सकते हैं। यानी हम सब मिलकर नहीं जा सकते। ये भी खेलना नहीं आता तुम्हें? यूमिको के साथ उस पहाड़ी इलाके में घूमकर जल्दी लौट आऊंगा। बाय बाय दोस्तों। ये कैसे बोट है जिसमें सिर्फ दो लोग जा सकते हैं? देखो यूमिको और हमारे वहाँ मजे कर रहे हैं। हम किसी और तरीके से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मुझे बोट बनानी आती है, हम उसमें बैठ के सैर करेंगे। वाह, हम बोट बनाएंगे। केनिची, इसे उठाने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ। मैं यहाँ देखता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या है? ये टोपी है कि वॉश मशीन है बाबा? अब इन लकड़ियों को सही तरीके से लगाना होगा। बताओ कि ये चलेगी कैसे? बताता हूँ। मेरा प्यारा चॉकलेट रोल। शीशे मानी से बोट चलाने की निंजा टेक्निक। बेचारे वो सब तो किनारे पर बैठे ठंडी हवा खा रहे होंगे। शीशे मानो थोड़ा और तेज, और तेज। मेरा चॉकलेट रोल। यूमिको मुझे पता है, तू चुप कर। अच्छा ठीक है, केनिची की बोट तो हमसे पहले किनारे पहुंच जाएगी। ओए केनिची, तुम डूब तो नहीं जाओगे ना? वही ब्रेसलेट था ना जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बर्थडे पे दिया था और जो तुम्हें जान से भी बहुत ज्यादा प्यारा था। हाँ, और उस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ था। पूरी दुनिया में वैसे कोई दूसरा ब्रेसलेट नहीं है। ये तुमने क्या कर दिया? आई एम सॉरी, मैं उसे अभी ढूंढाता हूँ, तुम यहीं रुको। जोश में आकर ये मत भूलो कि तुम्हें तैरना नहीं आता। लगता है ब्रेसलेट यहीं कहीं गिरा होगा, देखता हूँ। अरे हाँ, ये तो शेल है। हाँ? इस जगह तो पानी बहुत स्पीड से बह रहा है। क्या तुम्हें यूमिको का ब्रेसलेट मिल गया? वो ब्रेसलेट यहाँ पर नहीं है, पानी के बहाव से आगे बह गया। रो मत यूमिको, मैं हूँ ना। देखा, तुमने यूमिको को रुला दिया ना। चल कियो, चलते। यूमिको, मैं तुम्हारा ब्रेसलेट लेकर ही वापस आऊंगा। प्लीज उसे ढूंढ कर लाओ हमारा। अब क्या होगा? शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे हम अंधेरे में ढूंढ सकते हैं। ये क्या कर रहे हो? ब्रेसलेट यही कहीं होना चाहिए। ये क्या, हथौड़ी भी आ गया। उसने तो अंदर डुबकी मार दी। तू भी ये पकड़ और चल डुबकी लगा दे। फिर से मैं ही जाऊं? मैं हूँ कि तू है।
हर बार हर मुसीबत में हमारा बॉस मुझे ही आगे कर देते हैं। हथौड़ी तो बड़ा चालाक है, पानी में लैंप लेकर घूम रहा है। अरे वाह, मुझे तो भूख लगने लगी। रुक जा मछली रानी, मैं तेरे साथ सेल्फी लूंगा। कोई नीचे का कबड्डी खेल रहा है क्यों? ब्रेसलेट ढूंढने गया है तो ब्रेसलेट ढूंढना। ठीक है, समझ गया बॉस। एक कमाल का आइडिया आया है। इनिक मछलियों से बात करने की निंजा टेक्निक। वाह, मछलियाँ मेरी बात समझ गई और उन्होंने मुझे आगे का रास्ता भी दिखा दिया। बॉस, मुझे लगता है हथौड़ी को ब्रेसलेट का ठिकाना पता चल गया है। फिर तो काम और भी आसान हो गया। अब तू उसका पीछा कर और उससे वो ब्रेसलेट छीन ले, क्या समझा कियो? जैसा बॉस कहेंगे मैं करूँगा। हो गया। मिल गया। अच्छा तो हथौड़ी ने ब्रेसलेट ढूंढ लिया। ऑक्टोपस से हमला करने की निंजा टेक्निक। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे में देखने की निंजा टेक्निक। भूल चूक को माफ करना। अरे छोड़ो मुझे ऑक्टोपस। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। ब्रेसलेट खा गया। ब्रेसलेट मेरे पास है हथौड़ी। तुमने निंजा को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इससे काम बन जाएगा। अरे वाह, हमें ब्रेसलेट मिल गया। मानना पड़ेगा कि तू कमाल का चमचा है। अरे ये क्या शार्क है? भाग भाग क्यों भाग? ये तो यही गोल गोल पानी हो रहा है। चप्पू चला क्यों? अरे भगा। शार्क अटैक की निंजा टेक्निक। ये लो युमी को तुम्हारा प्रेजेंट। थैंक यू सो मच हथौड़ी। हथौड़ी युमी को का ब्रेसलेट लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। परेशानी में सबके काम आना यही तो एक निंजा का फर्ज है। हमारा और कियो कहाँ है? हाँ वो देखो यही आ रहे हैं दोनों। क्या बोल रहे हैं? युमिका तुम्हें पता है क्या हुआ? तुम्हारी ब्रेसलेट शार्क खा गई। और अरे ये क्या? इसका मतलब वो शार्क हथौड़ी में छोड़ूंगा नहीं, मेरी इज्जत का कबाड़ा कर दिया। देखो हमारा हथौड़ी वहाँ बीच समंदर में जाकर मेरा ब्रेसलेट ढूंढ रहा। वैसे ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट मिल गया, तो क्यों ना युमी को इस खुशी में हम सब लोग समंदर में चलकर स्विमिंग करें, क्या कहते हो दोस्तों? हाँ क्यों नहीं। लेकिन अब हम वापस कैसे जाएंगे? हमारी बोट तो वहाँ पर है। लगता है वापस किनारे पर जाने के लिए अब मुझे एक और बोट बनानी पड़ेगी और शिशिमानो को मेहनत करनी पड़ेगी।